हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ हम लोग इंटर कन्वर्जन देखने वाले हैं, जो कि सारे एग्जामों के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अत्यंत आवश्यक है। इसको आप ध्यान से देखिए कि कैसे इंटर कन्वर्जन हम लोग करते हैं। तो बात हम लोग कर रहे हैं इंटर कन्वर्जन की ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। शुरू करते हैं फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, और जिसका नाम है आपका मीथेन। तो CH को कहा जाता है आपका मीथेन। इस मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में, और यदि क्लोरीन से रिएक्शन कराया जाए तो इसे कहा जाता है क्लोरीनेशन। और यदि क्लोरीनेशन होगा तो Cl के द्वारा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन मेथेन डिस्प्लेस बाई क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, और ये बन गया है आपका मेथिल क्लोराइड। ये है आपका मेथिल क्लोराइड। इस मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन करा दिया जाए एल्कोहलिक केसियन से, और एल्कोहलिक केसियन से रिएक्शन कराया जाए तो सीएन के द्वारा सीएल का सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन जाता है आपका मेथिल साइनाइड। अब यहां थोड़ा सा हम देखते हैं कि यदि मेथिल क्लोराइड हो और इसका मेथिल क्लोराइड का सोडियम मेटल से रिएक्शन कराया जाए तो इस रिएक्शन का नाम होगा ऊर्ज रिएक्शन, और इस ऊर्ज रिएक्शन में मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे और बनेगा आपका ड्राई ईथर के प्रेजेंस में C2H6, और इसे आप कहेंगे ये क्या है, एथेन। आपने पढ़ा है कि मेथिल क्लोराइड 2 एटम सोडियम से रिएक्शन करेगा और इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये डी हैलोजिनेशन का काम करेगा, CH3 क्या बन जाएगा, एथेन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्ज रिएक्शन। फिलहाल यहां चलते हैं, बन गया है आपका मेथिल साइनाइड। ये है मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड का यदि हाइड्रोनियम आयन के द्वारा हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोनियम आयन के द्वारा हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो ये CnCOOH में कन्वर्ट हो जाता है और बदल जाता है आपका एसिटिक एसिड में, या जिसे कहा जाता है आपका एथेनोइक एसिड। बट यदि इसका आपने रिडक्शन कराया रिएक्शन विद हाइड्रोजन तो आपका CnNH2 में बदल जाता है और CH3CH2NH2 बनेगा, और इसका नाम होगा आपका एथिल एमीन। दो चीजें आप ध्यान देंगे, साइनो कंपाउंड का यदि रिडक्शन तो एमीन बनता है, यदि हाइड्रोलिसिस तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये बन गया है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। यहां चले आते हैं CH3COOH लिख लिया जाए, CH3COOH कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसका रिडक्शन कराया जाए सेम कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा और इसका नाम होगा आपका एसिटल्डिहाइड। अगेन यदि आप रिडक्शन करा दीजिए तो इसी से आपका बन जाता है C2H5OH, और ये है आपका एथिल एल्कोहल, या कहा जाता है आपका एथेनॉल। और
एथेनॉल को यदि कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दीजिए तो आपका डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसे कहा जाता है आपका ये क्या है, एथिलीन है। तो बन गया है आपका एथिलीन। यहां लिख लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन का रिएक्शन आप ब्रोमीन से करा दीजिए। ये होगा आपका एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन के द्वारा CH2Br और CH2Br बनाएगा। एडिशन है, ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ेगा, एथिलीन डाइब्रोमाइड बन जाता है। और इसका रिएक्शन यदि करा दिया जाए एल्कोहलिक KOH से तो यहां हो जाएगा आपका डी हाइड्रो हैलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। एक मोल आपका हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेट होगा -KBr और -H2O के रूप में और बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये है आपका एसिटिलीन। और यदि एसिटिलीन को रेड हार्ट आयरन ट्यूब में फॉलो कर दिया जाए तो इसके 3 मॉलिक्यूल का होगा पॉलीमराइजेशन, और यदि पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो बन जाता है C6H6, जिसे कहा जाता है आपका बेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन, एलिफैटिक कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक। तो आप इजीली बदल सकते हैं, मीथेन से आपने बदल दिया है किसमें, एथेन में। यदि यहां अलग से ले लिया जाए मेथिल का क्लोरीन से रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में कराया जाए, सेम टाइप का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड, तो यहां बन जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। क्या बन गया? एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड का हम लोग एथिल क्लोराइड आपका बन गया, तो एथिल क्लोराइड को Cl हटाया जाए और Cl हटा करके यहां मेथेन से बन गया एथेन, यहां ले आया जाए आपका OH ग्रुप। तो OH कैसे आएगा? यहां आ जाएगा आपका एक्वस KOH से रिएक्शन, OH के द्वारा Cl का सब्स्टिट्यूशन, आ गया है आपका C2H5OH। एथिल एल्कोहल जस्ट अपोजिट है एल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो आपका बनता है ये इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। यदि हम करा दें क्या ऑक्सीडेशन, तो इसका यदि ऑक्सीडेशन कराया जाए तो बन जाएगा आपका CH3CHO एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया जाए तो CH3COOH बन जाता है एसिटिक एसिड। और आपने पढ़ा है कि यहां यदि हम एसिटिक एसिड ले ले और इस एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडा लाइम से करा दें तो बन जाता है आपका मीथेन गैस। तो चाहे आप एथेन से मेथेन बनाइए, मेथेन से एथेन बनाइए, मेथेन से एसिटिक एसिड बनाइए, एथिल एल्कोहल बनाइए, चाहे जो बनाइए इस रिएक्शन के द्वारा इजिली बन सकता है। तो ये है छोटा सा इंटर कन्वर्जन रिलेटेड विद ऑल रिएक्शंस, जितने बनाने हैं इसमें उतने आप इजिली बना सकते हैं। तो ये है आपका इंटर कन्वर्जन, इसी टाइप का सेम एरोमेटिक भी है। ये आपका एलिफैटिक है, देख सकते हैं मेथेन का क्लोरीनेशन तो आपका मेथिल क्लोराइड, उर्ज रिएक्शन आपका बन गया एथेन,
एथेन का क्लोरीनेशन एथिल क्लोराइड, एक्वस के लिए सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल, ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडा लाइम के साथ हीट कर दिया जाए तो मेथेन बन जाएगा। यदि एसिटिक एसिड का रिडक्शन कराया जाए एल्डिहाइड, फिर रिडक्शन एल्कोहल और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन एल्कीन, एल्कीन का एडिशन एथिलीन डाइब्रोमाइड, एक्वस केवेच एसिटिलीन, रेड हार्ट आयरन ट्यूब में बन जाता है आपका क्या, बेंजीन। इस प्रकार के इंटर कन्वर्जन हम देख सकते हैं।